जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो पांच चीज़ें। अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले पहले ले आते हैं तो आपके जीवन में आपके घर में वो सभी सुख संपदा निरोगता आरोग्यता और दुर्भाग्य को दूर कर आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हर कमी को पूरा कर आपका घर परिवार जीवन में खुशहाली खुशहाली भर जाएगी। वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, और आप उनको ज़रूर अपने घर में लाएं इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले। दोस्तों ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 तारीख को 12 अगस्त को है, तो आपको ये जो पांच चीज़ें हैं वो ज़रूर आपको अपने घर में लेके आनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं आप लेके आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ थीं जो दुर्भाग्य था जो कठिनाइयाँ थीं जो बीमारियाँ थीं जो रोग दोष थे तकलीफ़ें थी वो सब जड़ से चले जाएंगे आपके घर से बिल्कुल दूर और लौट कर आपके घर में कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारी हैं बहुत प्रिय हैं, और अगर आप उनको अपने घर में ले आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं बहुत ही। तो दोस्तों पहली चीज़ है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मोर पंख। मोर पंख को भगवान अपने मस्तक पर रखते हैं। अगर आप अपने घर में मोर पंख लाते हैं तो आप मोर पंख को अपने कमरे में बरामदे में कहीं भी हर जगह रख सकते हैं, मंदिर में सब कहीं रखना भी चाहिए। मोर पंख रखने से आपके घर में तरक्की खुशियाँ बढ़ने लगती हैं बहुत तेज़ी से, हर रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं और आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक एनर्जी नहीं आती है, और यहाँ तक कि सर्प बिच्छू और जितने जहरीले कीड़े मकोड़े वो कोई भी आपके घर में आना बंद कर देते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों है बांसुरी। बांसुरी बहुत ही मीठा स्वर होता है, जिसने भी बांसुरी की आवाज़ सुनी है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं लोग। बांसुरी आप किसी भी तरह की आप ला सकते हैं जैसी आपकी क्षमता हो। सबसे प्यारी सबसे अच्छी तो बांस की ही बांसुरी है, तो आप बांसुरी अगर लाते हैं आप अपने घर में तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे बरसती है और आपके परिवार में सभी मीठे हो जाते हैं बहुत सरल हो जाते हैं, प्रेम बढ़ता है। और जब घर में आपस में प्रेम होता है परिवार में प्रेम होता है बच्चों में घर के मेन मुखिया में पति पत्नी में माँ बाप में, तो जब ये प्रेम होता है तो घर में तरक्की तो होती ही होती है, और जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई बीमारी होती ही नहीं है। तो इस बांसुरी के लाने से आपके जीवन में बहुत ही प्रेम आएगा भगवान कृष्ण की कृपा से, और जब प्रेम आएगा तो आपके जीवन की सभी मुश्किलें सभी कठिनाइयाँ स्वतः ही खत्म हो जाएंगी स्वतः ही दूर हो जाएंगी, और सभी की जो बीमारियाँ हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जब आप खुश होते हैं हैप्पीनेस होती है तो आपके अंदर एक औषधीय केमिकल प्रवाहित होने लगता है जो आपकी बीमारियों को तेज़ी से ठीक करता है और जल्दी ठीक करता है। तो आप ज़रूर इस कृष्ण जन्माष्टमी को बांसुरी को लेके आएं अपने घर। तीसरे नंबर पे है दोस्तों तुलसी। तुलसी तो हमारे भारतीय घरों में भारतीय सभ्यता में सभी के यहाँ होती है और बहुत ही पूजनीय है, तो तुलसी तो सभी के घर में होना ही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप ज़रूर एक पौधा तुलसी का लगाएं। तुलसी दोस्तों घर का डॉक्टर समझ लीजिए, ये इससे हजारों बीमारियां ख़त्म होती हैं। अगर तुलसी आपके घर में है तुलसी को जल देते हैं तो माँ तुलसी की कृपा से आप और आपका परिवार सौभाग्यवान होता है और दुर्भाग्य से दूर होता है, आपकी वो हर इच्छा पूरी होने लगती है अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं तुलसी की सेवा करते हैं और भगवान को तुलसी दल अर्पित करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके परिवार पे आप पे सदैव बनी रहती है और आपका घर धन धान्य से भरपूर रहता है, किसी चीज़ की भी कमी आपके घर में नहीं रहती है। अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं उसमें जल चढ़ाते हैं तो आप ज़रूर इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त से पहले एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं और उसमें सुबह सुबह जल दें, और तुलसी दल इतना पवित्र है कि भगवान का भोग जब भी आपके घर में लगता है तो उससे उसमें तुलसी का दल ज़रूर डालें, इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे बहुत ही होगी। आप खुद देखेंगे जब आप ये प्रयोग करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके घर में वो जितनी कठिनाइयाँ थीं, जिनसे आप परेशान थे बहुत ही ज़्यादा, वो सब समस्या एक एक करके ख़त्म होती जा रही हैं। तो आप ज़रूर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पहले ये तुलसी का एक छोटा पौधा ज़रूर लगाएं। उसके बाद आता है गाय। गाय श्री कृष्ण जी को बहुत प्यारी है, बहुत ही, क्योंकि उनका जीवन गायों के साथ ही बीता हुआ है। तो अगर आप गाय को लाते हैं अपने घर इस सावन, तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, सभी का निवास होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो गाय तो शुभ है, थोड़ा नहीं बहुत ही बहुत है। जिन घरों में गाय होता है उन घरों में बीमारियां नहीं होती हैं, और हमेशा सुख संपत्ति संपदा से वो घर पूरे भरे होते हैं। तो गाय अगर आप नहीं ला सकते हैं तो आप जाकर गौशाला में गाय की सेवा कीजिए, हरी घास खिलाइए, और उसकी जगह पे आप गाय की मूर्ति ला सकते हैं, वो भी बछड़े के साथ हो, ऐसी मूर्ति लाइए। और जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, मंदिर है जहाँ पे आपका, वहाँ पे आप फ़ोटो को लगा दीजिए। गाय ऐसी लाना है जो बछड़े के साथ हो, और उसको आपको अपने मंदिर में लगा दीजिए। अगर आप उस तरह का, आज की सिचुएशन जैसी है तो लोग शहरों में रह रहे हैं तो वहाँ पे तो गाय पालना मुश्किल है, गाय ला नहीं सकते, तो आप गाय की फ़ोटो ले आइए, लेकिन ऐसी फ़ोटो लाइए जिसमें बछड़ा भी साथ में हो, और उसको आपको अपने मंदिर में लगाना है भगवान श्री कृष्ण के पास। तो आपको घर में अगर गाय होगी तो आपके घर में सभी तरह के ग्रह दोष सब कुछ खत्म हो जाएंगे, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी बहेगी जैसे माँ गाय का दूध बिल्कुल अमृत होता है उसी तरह। इसके बाद आपका आता है यमुना का जल। वैसे तो गंगा जल भी पवित्र होता है, बहुत शुभ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हैं यमुना जी, यमुना के तट पे खेले हैं, यमुना से ही जुड़े हुए हैं। तो आप अगर हो सके तो इस जन्माष्टमी के पहले आप यमुना जल भी अपने घर में ज़रूर रखें, और अगर आप यमुना का जल रखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पे बहुत बरसती है, और आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में सभी यमुना की जल की तरह तेज़ी से तरक्की की तरह बह चलते हैं। बिल्कुल हर तरफ आपके यहाँ खुशियाँ का बहाव आ जाता है, तरक्की का बहाव आ जाता है, सफलता का बहाव आ जाता है यमुना के जल की तरह। और अगर आप कहीं भी मिलेगा यमुना का जल तो आप ज़रूर रखें अपने घर में, और आप उस सभी सुख संपदा का लाभ उठाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप पे कृपा बनी रहे भगवान श्री कृष्ण की।